20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ पर पूरे 80 सालों के बाद बनेंगे 5 महाराजयोग। इन 3 उपाय से बनेगा कुंवारे लड़का लड़की का विवाह योग। करवा चौथ के दिन पति पत्नी भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो माता लक्ष्मी जी हो जाएगी क्रोधित। और साथ ही इसी साल करवा चौथ पर 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत अचानक से बदलने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 5 राशियों के पति करोड़पति बनने वाले हैं, धन से माला माल बनने वाले। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ की पूजा का भी विशेष रूप से महत्व होता है। महिलाएं कई दिनों से बेसब्री से करवा चौथ का इंतजार करती है। आपको बता दें कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि आती है ना, इस दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। साल 2024 में पूरे 80 सालों के बाद करवा चौथ पर 5 राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे पहला योग बन रहा है शनिदेव के आशीर्वाद से सस राजयोग, दूसरा गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, बुधादित्य योग और सम सप्तक राजयोग बनने से इस करवा चौथ का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। बात करते हैं करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर की शाम को 5:46 से 7:02 तक का जो समय है ना, वो पूजा के लिए अति उत्तम और बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है। चंद्र उदय चंद्र दर्शन की अगर बात करें तो शाम को 7:54 पर चंद्रमा का उदय होगा। करवा चौथ के व्रत का जो पारण है वो अपने पतिदेव के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। चलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं करवा चौथ के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए भाग्यशाली समय की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद अपन विवाह के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे और करवा चौथ के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श ण ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। इस बार करवा चौथ पर 5 राजयोग का बनना काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, जिसके शुभ प्रभाव से आप लोगों को वाहन का सुख मिलने वाला है। आप अपने व्यापार में खूब कमाई करने का मौका प्राप्त करेंगे। आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी और इस समय जो भी बेरोजगार युवा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको नौकरी मिल सकती है। विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। संतान से संबंधित कोई अच्छा या शुभ समाचार आपको मिलेगा। जो भी नव विवाहित दंपति है उन लोगों के लिए यह करवा चौथ किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। और उसके अलावा शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार होगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट प्राप्त होगा। इस करवा चौथ के बाद कन्या राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, उनके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। नवंबर दिसंबर तक कहीं ऊंची जगह पर आपका रिश्ता निश्चित होगा और साल 2024 में ही आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह नक्षत्र दशा महादशा और अंतरदशा का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है। यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है, अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में शनि राहु केतु या कोई मारक ग्रह की महादशा तो नहीं चल रही है, या दोस्तों कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई महत्वपूर्ण घटक तो नहीं जिसकी वजह से लगातार जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपका विवाह का योग कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख
पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली यानी कि दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है, यानी कि अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम बनता है ना उनकी तुला राशि रहती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार करवा चौथ पर 80 सालों के बाद जो ये पांच राजयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए करियर और कारोबार इसके लिहाज से अति लाभप्रद साबित होने वाला है। जो भी तुला राशि वाले लड़का लड़की उन लोगों को काम और कारोबार दोनों में ही तरक्की मिलेगी अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं। तो दोस्तों करवा चौथ के बाद नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में किसी भी कार्य को आप करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जो भी तुला राशि की महिलाएं अगर सौंदर्य प्रसाधन लग्जरी आइटम कॉस्मेटिक कपड़े का या कोई भी दोस्तों सुंदरता से जुड़ा अगर कार्य करती है व्यापार करती है, मान लो ब्यूटी पार्लर चलाती हो, मेकअप का कार्य करती हो, मेहंदी बनाती हो या दोस्तों आपने कोई भी छोटा मोटा घर पे कार्य लगा रखा है, कुल मिलाकर तुला राशि वाली महिलाओं के लिए साल 2024 में ये जो करवा चौथ है ना, ये आपके भाग्य के दरवाजे को अचानक से परिवर्तित करने वाली है। इस पूरे साल भर में आपने जो टारगेट अचीव नहीं किया है वो अब आने वाले 2-3 महीनों में आप पूर्ण कर पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी, विलासिता की वस्तुओं पर खर्च ज्यादा होगा और सरकार का भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट रहेगा। इस समय आपकी सोची हुई सारी योजनाएं सफल बनेगी, धन की बचत करने में भी सफलता होगी और नए नए लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। जो भी तुला राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, करवा चौथ के बाद आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी का आपको दोस्ती का प्रेम संबंध का प्रस्ताव मिल सकता है। और दोस्तों ग्रहों की महादशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक आप उसके साथ विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं, आपके लव मैरिज का सपना भी पूर्ण होगा। बाकी कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए तो इस बार करवा चौथ वरदान से कम नहीं रहने वाला है, आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और दोस्तों आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाली है। नाचने कूदने लड्डू बांटने डीजे बजाने की कर लीजिए तैयारी। दोस्तों वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में विस्तार से जानना है, डिटेल से जानना है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राशि का नाम या अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि एक अलग ही वीडियो में आपकी राशि के ऊपर पूरा डिटेल के साथ लेकर आऊं कि नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, हर एक चीज को मैं डिटेल से आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं उपाय के साथ में। तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी करवा चौथ पर ये जो पांच राजयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए अति लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं। जो भी शादीशुदा लोग हैं उन लोगों का वैवाहिक जीवन इस अक्टूबर से ही बहुत अच्छा और शानदार रहने वाला है। इसके साथ ही कार्य और व्यापार में भी प्रगति मिलेगी। इस दौरान आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा। नौकरी करने वाले लोग जॉब के साथ ही इस करवा चौथ के बाद अपना स्वयं का कोई भी छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं, आगे जाकर उसमें आपको शानदार सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी और दोस्तों जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सट्टा या ऑनलाइन तरीके से कोई भी कार्य करते हैं उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यह समय उनके लिए अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपकी लगभग तमाम इच्छाओं की पूर्ति होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस बार करवा चौथ का जो समय है ना, इसके बाद से ही आप लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं करवा चौथ के दिन भूल कर भी दोस्तों यह पांच कार्य आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। सबसे पहला है कि करवा चौथ के दिन भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं दें दान में। दोस्तों करवा चौथ के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूल कर भी उजले भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहने। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध दही चावल और वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने बड़े लोगों से आशीर्वाद जरूर लें, लेकिन करवा चौथ का दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दो
फायदा होगा। एक तो दोस्तों आपके पति की लंबी उम्र पूर्ण होगी और दूसरा पति की तरक्की भी प्राप्त होगी। उसके अलावा महिलाएं स्पेशली ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन मन में भूल कर भी नहीं लाएं दूसरे पुरुष की बात। दोस्तों करवा चौथ के दिन गलती से भी अपने पति देव के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में आपको किसी भी तरह का कोई भी ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही अन्य किसी भी सुहागिन स्त्री को भला बुरा या साप देने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन महिला या पुरुष किसी भी सुहागिन स्त्री का अपमान नहीं करें, चाहे घर की हो या बाहर की हो, और पति पत्नी स्पेशली लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगला है करवा चौथ की रात में भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। दोस्तों करवा चौथ का व्रत ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों के हिसाब से अति पवित्र माना गया है और इस दिन व्रत की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में आप लोगों को दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को घोर पाप का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा करवा चौथ के दिन जो भी स्पेशली विवाहित महिलाएं हैं वो सिलाई कढ़ाई और कटाई इन तीनों कार्य में कैंची का प्रयोग नहीं करें। चाकू छुरी या कोई भी धारदार चीजों का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। चलिए अंत में जान लेते हैं जो भी लड़का या लड़की अगर कुंवारे हैं सिंगल है आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है दिक्कत आ रही है काफी जगह पर आप रिश्ता देख रहे हैं लेकिन कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित नहीं हो पा रहा है या दोस्तों अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं कि करवा चौथ के दिन स्नान ध्यान के बाद विधिवत रूप से भगवान शिव जी की पूजा करें। इस समय 5 नारियल भगवान शिव शंकर को अर्पित करें और जो भी कुंवारी लड़कियां है ना ओम श्रीम वर प्रदाय ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 108 बार यानी कि एक माला जाप करें। इस उपाय को करने से माता पार्वती जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और शीघ्रता शीघ्र अगली करवा चौथ से पहले पहले आप लोगों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और अगर आप किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं ना तो वो भी आपका सपना पूर्ण होगा। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह के प्रभाव के चलते शादी में बाधा आ रही है जैसे काल सर्प दोष हो गया मांगलिक दोष हो गया या शनि राहु केतु इनकी स्थिति अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपकी शादी निश्चित नहीं हो पा रही है तो शीघ्र विवाह के लिए करवा चौथ पर जल में काले तिल बेलपत्र कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भी विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और जल्द से जल्द आपके विवाह के योग बनेंगे। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय जय श्री कृष्णा जय महालक्ष्मी।